इंदौर ग्रामीण आईजी अनुराग गुप्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अफसर, थाना प्रभारियों की बैठक ली और चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि इलेक्शन निष्पक्ष, फ्री और फेयर हो। पुलिस की तैयारियां पुख्ता है। अभी 4-5 माह पहले हम बड़ा इलेक्शन करा चुके हैं। हमारी पुलिस फोर्स ऑलरेडी रिहर्सल कर चुकी है। ये चुनाव भी पूरी तरह और मुस्तैदी से करेंगे। हमारे पास पुलिस बल है, जो कमी है वह सेंट्रल फोर्स आती है तो वह हमें मिलेगी। ये हमारा दायित्व है कि इलेक्शन जो है वो निष्पक्ष और इम्पार्शियल हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो, और पुलिस की तैयारी इसमें पुख्ता है। अभी अभी हम लोग 4-5 महीने पहले एक बड़ा इलेक्शन हम करा चुके हैं, तो हमारी पुलिस फोर्स ऑलरेडी एक रिहर्सल आप सोच लें तो वो हम कर चुके हैं, और ये भी हम पूरी अच्छी तरह से, पूरी मुस्तैदी से करेंगे। हमारे पास पुलिस बल है, जो कमी है वो सेंट्रल CAPF जो फोर्स आती है वो हमें मिलेगी, और 4 फेजेस में है तो जो 3 फेजेस में इलेक्शन नहीं होंगे वहाँ से भी फोर्स हमें मिलेगी। तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वारंट की तामिली हो, चाहे फरारी हो, चाहे नाका लगाने से संबंधित हो, इंटर स्टेट नाका हो, बॉर्डर मीटिंग हो, सारी तैयारी चल रही है। कई स्तर पर बॉर्डर मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे स्तर पर भी बॉर्डर मीटिंग हुई है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। रेंज में जो सिकरी घर होते हैं, जो कड़वा में भी है, सॉरी बुरहानपुर में है, खरगोन में है, देखा ये जाता है कि चुनाव के टाइम इनके इलीगल वेपन्स की सप्लाई बढ़ जाती है, तो इसको रोकने के लिए क्या प्लान? हम इस पर लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन में के समय ही हम कार्रवाई करेंगे। ये काफ़ी समय से ये चीज़ें चली आ रही है और हम लोग इसमें कार्रवाई भी करते रहे। पिछले इलेक्शन में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे हमने अवैध हथियार को पकड़ा था और उस पर प्रेस में भी काफ़ी आया था, आप लोगों ने इसको देखा होगा। अभी भी कुछ दिन पहले अभी धार में करीब 10 से ज़्यादा हमने फायर आर्म्स पकड़े और बहुत सारे पाइप्स पकड़े, फैक्ट्री एक तरह से पकड़ी हमने। और भी हमें इंफॉर्मेशन अगर हमें कहीं से मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बुरहानपुर हो, धार हो, खरगोन हो या बरवानी हो, तो सभी पुलिस अधीक्षक से हमारी रेगुलर बात होती है और इस पर बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने के हमारे जो बॉर्डर पे है। अब पिछली बार विधानसभा में तो ऐसा था कि ये सिर्फ हमारे यहाँ इलेक्शन था, महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं था, बट अभी तो पूरे देश में इलेक्शन है, तो वो सारी जिम्मेदारी एक दूसरे पे है और एक टीम के रूप में हम लोग काम करते हैं। बॉर्डर पर हमने इंटरस्टेट नाका हम लोगों ने डिसाइड किया लगाने के लिए, और वो इंटरस्टेट नाका जब हमारे यहाँ इलेक्शन होगा तो वो हमें हेल्प करेंगे, उनके यहाँ इलेक्शन होगा तो हम हेल्प करेंगे। जो हमारे यहाँ के वारंटी उनके पास हैं, हमारे उनके वारंटी हमारे यहाँ आके छुपे हुए हैं, तो हमने वो लिस्ट शेयर कर चुके हैं और उस लिस्ट के आधार पे हम लोग टीम बना के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग मुस्तैद हैं, बॉर्डर सीलिंग भी करेंगे जिस दिन इलेक्शन होगा, और पूरी तरह से तैयार हैं कि हम इलेक्शन अच्छी तरह से करा पाए।